अस्सलाम वालेकुम। खबर की दुनिया में खुश आमदीद, मैं हूं मोहम्मद अजमल जामी। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। हंगू के इलाके बाबर मेला में एक घर में धमाका, छह बच्चे जां बहक। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ताकत के इस्तेमाल से दहशतगर्दी बढ़ेगी, हालात बेकाबू हो रहे हैं, हुकूमत ऑपरेशन करे या मुजाकरात, कौम को अमन चाहिए। एएनपी के सरबराह असफंद यार वली का कहना है कि बेगुनाहों का बहुत खून बह चुका, वजीर दाखिला बताएं किन गिरोहों से मुजाकरात हो रहे हैं। कराची में कत्लो गारत न रुक सकी, आज भी छह अफराद कत्ल, टारगेटेड ऑपरेशन में 88 मुलजिम गिरफ्तार। सिंध में एक माह के लिए डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। लांजी कराची में पुलिस एहलकारों पर हमलों में कालादम तंजीम मुलविस, हमलावरों की तादाद 8 थी, इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, मुलजिमान की निशानदही पर 50 लाख रुपए का इनाम। बाबदा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की लड़ाई, शाह फरमान पुलिस लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को तारिक सदोजई के घर पहुंच गए, बिजली के दो गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ने का दावा। कराची के शहरी बहरिया टाउन की बुकिंग के लिए टूट पड़े, सुबह से तवील कतारें, शहरियों का कहना है कि काबिले एतमाद प्रोजेक्ट के लिए जितना इंतजार करना पड़ा करेंगे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के फाइनल में स्विट्जरलैंड के स्टेनिस वावरिंका ने राफेल नडाल को शिकस्त दे दी।